नमस्कार, मैं मनोज अरोरा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। इस वक्त हम आपको बता दें कि आज पूरे शहर भर में हम बीके चौक पर खड़े हैं और पूरे शहर भर में ऑटो की हड़ताल है और यहां पर दशहरा ग्राउंड में सभी ऑटो वाले इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कुछ ऑटो को यहां पर जबरदस्ती रुकवाया जा रहा है जो हड़ताल में शामिल नहीं होना चाह रहे और यहां पर जबरदस्ती रुकवा के उन्हें हड़ताल में भेजा जा रहा है। एक बार देखिए, अभी यहां पर जाम लग चुका है और यहां पर जितने भी ऑटो वाले हैं, देखिए ये ऑटो वाले यहां पर खड़े हैं, जो भी ऑटो ये ऑटो वाले यहाँ पर हैं, हम दिखाइए एक बार। और जितने ऑटो रुकेंगे, देखिए इस ऑटो को यहाँ पर ये रुकवाएंगे। अभी ये देखिए, इधर आइए, ये देखिए ऑटो को रुकवा रहे हैं यहाँ पर जबरदस्ती, यहाँ पर देखिए, और ऑटो को रुकवा कर साइड में भी यहाँ पर लगवाएंगे। ये देखिए, ये दृश्य देखिए यहाँ पर। नहीं भाई, बुरा मत माना, आप दशमगढ़ में हड़ताल चल रही भाई, वहाँ जाओ भाई, हड़ताल है, हड़ताल है। भैया क्यों ऑटो रुकवा रहे हो इनका? ये हमारे हड़ताल हो रही है, सीएनजी वगैरह सब रेट बढ़ रहे हैं हर चीजों के भाई, सब जगह मीटिंग। आपका मन है शामिल होने का हड़ताल में? बिल्कुल शामिल है जी। तो अब ये सवारी कहाँ जाएंगे जिनको आपने बैठा? सवारी उतर जाएंगे और क्या। आप कहाँ के लिए बैठे हैं? मैं नीलम के लिए। नीलम के लिए अभी आपको बीके पे उतार देंगे, पैदल जाएंगे, क्या करेंगे? अब आपने सवारी बैठा ली, आपको पता था हड़ताल है? हमें नहीं पता था, हम तो अपने बच्चे को पेपर दिलाने आए हैं। डी एम पता नहीं घूमी चारों तरफ, क्या उसकी आवाज नहीं आई क्या तुम्हारे को? पेपर दिलाने आए हैं बाबू, कौन सा पेपर दिलाने? तुम्हें पता थी कि आज हड़ताल है, तो क्यों बैठाई तुमने सवारी? क्यों बैठाई फिर सवारी? नहीं कल जब तुरई घूमी है चारों तरफ, तुम्हारे कानों में आवाज नहीं आई थी? यहाँ देखिए, ये ऑटो वाले यहाँ पर अभी आपस में कर रहे हैं कि भैया यहाँ से सवारी को उतारी और हड़ताल के लिए चलिए। आंटी बुजुर्ग है, इसको नीलम पे छोड़ के दशहरा ग्राउंड में जल्दी आ जाओ। चलो नीलम पे छोड़ के पैर गाड़ी यहाँ लगा दे ग्राउंड में। ये बताओ कितने बजे तक होगा वहाँ? ये कोई टाइम नहीं है, सुनो मेरे बात, सुन लो एक मिनट, बच्चे को पेपर दिलाने आया हूँ, ठीक है। इस वक्त यहाँ पर ऑटो वालों में नोकझोंक चल रही है आपस में, आपको 2:30 बजे। ये देखिए यहाँ पर था और यहाँ पर लगातार ऑटो को हम दिखा दे, ये दूसरा ऑटो, ये खैर ये इस ऑटो को क्यों नहीं रोका भैया? पेपर है जी बच्चों के, पेपर वाले को नहीं रोका जाता है, इनका पेपर है उनको नहीं रोक रहे हैं आप। ये देखिए यहाँ पर एक अच्छा काम कर रहे हैं, जिन बच्चों का पेपर है उनका पेपर ना छूटे इसलिए उन बच्चों को जाने दिया जा रहा है। उसको भी नहीं रोका जाएगा, पेशेंट को, कोई पेशेंट आएगा बीमार सीमार उसको भी नहीं रोका जाएगा, पेशेंट होगा उसको भी नहीं रोका जाएगा, किसी को नहीं रोक रहे, नॉर्मल सवारी को रोक रहे हैं, नॉर्मल। देखिए ये जितने भी ऑटो वाले यहाँ पर हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं, जितने भी ऑटो यहाँ से निकलेंगे जिसमें बच्चे बैठे हैं फिर जिसमें पेशेंट है उसको रोक के उसको नहीं रोकेंगे। बाकी देखिए, ये देखिए हम आपको एक बार इस दर्द दिखाने की कोशिश करेंगे, देखिए सवारियों को यहाँ पर उतरवाया जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर ऑटो को रोक लिया है। ये तो बच्चे पेपर के लिए बैठे थे, ये यहीं के लिए आए हैं, बीके के लिए आए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ऑटो को रोक लिया गया, और भी ऑटो यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखिए ऑटो वाले जिसमें सवारी है, देखिए लगातार लगा, ये देखिए किस तरीके से जबरदस्ती यहाँ पर ऑटो वालों को रोका जा रहा है। ये देखिए कुछ लोग यहाँ पर हड़ताल करना चाह रहे हैं, कुछ लोग नहीं करना चाह रहे हैं, ये देखिए लगातार किस तरह की यूनियन, ये देखिए ऑटो को साइड में ले जा रहा है। ये देखिए पुलिस भी इस वक्त यहाँ पर मौके पे मौजूद है, कह रही है कि जाम नहीं लगना चाहिए यहाँ पर, भले ही आपको हड़ताल करनी है, देखिए ऑटो को साइड में लेकर जाया जा रहा है। भैया आपका ऑटो रुकवाया जा रहा, आपका मन है हड़ताल में जाने का? बिल्कुल मन है जी, बिल्कुल। तो आपने सवारी बैठा ली, आपको पता नहीं था? पर सवारी नहीं है ना, ये तो दोस्त है, अच्छा ऑटो वाले ही है। देखिए ये तो खैर सवारी ऑटो वाले ही थे, लेकिन आप यहाँ देखिए यहाँ पर सवारी है, आप और सवारी बैठा रहे हैं? हाँ जी। अब आइए, सीएनजी के दाम बढ़ गए, किस लिए बाकी हड़ताल है आपकी? अब सवारी बैठा ली, क्या कुछ करेंगे? हड़ताल है तो हड़ताल लीजिए, सवारी बैठा ली उनको कहाँ छोड़ेंगे? यही छोड़ देंगे जी, अब क्या करें। ये देखिए यहाँ पर लगातार हम आपको दिखा दें, ऑटो को रोका जा रहा है, देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ से जितने इस वक्त हम बीके चौक पर मौजूद हैं, जितने भी ऑटो आ रहे हैं उनको यहाँ पर, लेकिन हम जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं हम उनको बता देते हैं कि सीएनजी के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से आज सीएनजी की 80 रुपए गैस पहुंच गई, उसके जो दाम बढ़ रहे हैं सीएनजी गैस के, उसको लेकर यहाँ लगातार प्रदर्शन चल रहा है। जितने भी ऑटो है सवारी लेकर जा रहे हैं, सभी ऑटो वाले उनको रुकवा रहे हैं और कह रहे हैं कि हड़ताल है, मीटिंग है दशहरा ग्राउंड में रोज गार्डन के पास में, वहां पर सभी इकट्ठा होइए। लगातार जो सीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं उसी को लेकर ये प्रदर्शन आज चारों तरफ है। जितने भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, अगर आप ऑटो से सवारी करते हैं तो घर से निकलने से पहले इस खबर को जरूर देखिए, क्या पता
क्योंकि अगर आप ऑटो में आ रहे हो आपको बीच में भी उतरना पड़ सकता है क्योंकि हर जगह इस वक्त हड़ताल है। आप घर से निकलने से पहले इस खबर को जरूर देखिए और ये देखिए लगातार ये बच्चे हैं, इनको नहीं रोका जाएगा क्योंकि ये पेपर दे रहे हैं। हम नहीं रोका जाएगा, पेपर वालों को नहीं रोका जाएगा, बच्चों को हो जाएगी नहीं रोका जाएगा, पेपर वालों को नहीं रोका जाएगा। यहाँ से जा रहे हैं, इन्हें यहाँ पर रोका जाएगा। एक बार हम यहाँ पर और भी लोग होंगे जो यहाँ पर सवारी बैठी है, जिन ऑटो को रोका जाएगा जो इसमें सवारी होंगी, यहाँ पर ये सवारी है, एक बार इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपको आप यहीं पे आए हैं या फिर ऑटो में आए थे? यहाँ उतार दिया गया आपको? आप इस ऑटो में बैठ के आए थे पीछे से? यहाँ उतार दिया आपको? कहाँ जाना था आपको? हमें रोहतक जाना है। अच्छा, कोई दिक्कत आई यहाँ पे ऑटो वालों ने उतार दिया किसी तरह की? नहीं। आइए एक बार यहाँ पे जितने भी ऑटो हैं उनमें अगर कोई सवारी बैठी हुई दिख रही है वो देखिए, उधर आइए उधर आइए। वहाँ पे ऑटो वालों में और सवारी में कुछ कहा सुनी हो रही है, एक बार हम आपको लेके चलते हैं। आइए देखिए ऑटो वाली में, ये देखिए देखो सवारियों में और अम्मा ये देखिए इस वक्त यहाँ पर सवारियों को खासा परेशानी इस वक्त यहाँ पर हो रही है क्योंकि कहीं पे जाना होता है, कोई पेशेंट है, कोई कुछ है। यहाँ पर अगर और भी कोई सवारी निकलती हुई दिखाई देती है तो उनसे भी एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए लगातार जितने भी ऑटो हैं सबको, जिसमें बच्चे पेपर दे रहे हैं उन्हें तो निकाला जा रहा है, लेकिन जिसमें कोई नॉर्मल सवारी बैठी है उसको रोका जा रहा है। एक बार आगे चलने की कोशिश करेंगे कि आगे जो है रोका जा रहा है ऑटो को। अभी हमने यहाँ पर सवारियों के बीच में और ऑटो वालों के बीच में यहाँ नोकझोंक भी दिखाई है और यहाँ पर जबरदस्ती जो है ये देखिए किस तरीके से वहाँ पर दशहरा ग्राउंड में इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है। आइए देखिए पुलिस भी इस वक्त यहाँ पर मौके पर मौजूद है। ये देखिए ऑटो वालों को साइड में होने के लिए बोला जा रहा है।